क्या आपने भी अपना मकान किराए पर दिया है? मकान अगर किराए पर दिया है तो सावधान होने की जरूरत है। बजट में हुआ है अहम ऐलान, सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट अब बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट रहा है जो कल पेश किया गया है। इसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ तो ऐलान किए गए। ऐसे में किराए पर मकान और फ्लैट देने वाले मकान मालिकों के लिए भी बजट में नया नियम आ गया जिस पर उनको खास ध्यान देने की जरूरत है। मकान किराए पर चढ़ाकर कमाई यानी कि रेंटल हाउस इनकम करने वाले लोगों के लिए बजट में जरूरी प्रबंधन ये है कि अब घर या फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर होने वाली इनकम को इनकम टैक्स दाखिल करते समय हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के रूप में घोषित करना होगा। अब इसे बिजनेस इनकम के रूप में नहीं दिखाया जा सकेगा। जी हाँ, अगर आप भी घर के मालिक हैं और उसे किराए पर दे रखा है तो आप इसे होने वाली आय को बिजनेस से होने वाली आय के रूप में नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से हाउसिंग इनकम बताना होगा। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण के दौरान एक अहम टैक्स संशोधन किया। इसके तहत आवासीय संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली आय को व्यापारिक आय या फिर किसी पेशे से होने वाली आय के रूप में घोषित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इसके लिए गृह संपत्ति से आय के रूप में इसे बताना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। दरअसल सरकार के मुताबिक कई बार अपना घर और फ्लैट किराए पर देने वाले इसे बिजनेस से होने वाली आय यानी कि इनकम के रूप में दिखाते हैं और ऐसे में इसके रख रखाव या टूट फूट जैसे एक्सपेंडिचर दिखाकर उतना टैक्स नहीं देते जितना भरा जाना चाहिए, यानी कि टैक्स की एक तरह की चोरी। इसे बचाने के लिए वित्त मंत्री ने इस रेट पर दिए जाने वाले मकान और फ्लैट ओनर्स के लिए महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। इस नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 28 में संशोधन करेगी और इसके साथ ही आपको बता दें करदाता किराए से होने वाली आय को व्यापारिक आय के तौर पर नहीं बता पाएंगे। ऐसे में उन लोगों को टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी जो बिजनेस इनकम बताकर टैक्स बचा रहे थे। बजट में हुई घोषणा के तहत ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्रालय आपको बता दे जिस तरीके से वित्त मंत्री के मुताबिक ये नियम ऐसे करदाताओं को गलत आय के नाम पर कम टैक्स भरने से रोकेगा। तो ऐसे में अब अगर आपने भी अपना मकान किराए पर दिया हुआ है और आप वो बिजनेस या किसी और माध्यम से टैक्स के रूप में दिखाते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।